बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम क्रिस्पी चिकन फ्राई बना रहे हैं, वो भी KFC स्टाइल में। ये है अदरक लहसुन का पाउडर 1-1 चम्मच। इसके बाद नमक, ये भी 1 चम्मच। और ये है काली मिर्च, ये भी 1 चम्मच। ये है कूटी हुई लाल मिर्च। ये है सोया सॉस तकरीबन 3 चम्मच। ये है चिली सॉस, ये हम 3 चम्मच डालेंगे। ये है वाइट सिरका, ये भी हम 3 चम्मच डालेंगे। अब हम इनको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। हमने अच्छी तरह इसको मसाले को मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें 1.5 कप दूध का डालेंगे और अच्छी तरह इसको मिक्स करेंगे। दूध डाल के हमने अच्छी तरह इसको मिक्स करना है, फिर हम इसमें चिकन डालेंगे। मसाला अच्छी तरह हमारा मिक्स हो चुका है, अब हम चिकन डालेंगे। तकरीबन हमारा चिकन 1 किलो है। अब हमने हाथों से अच्छी तरह इसको मिक्स करना है, डिप करना है। तकरीबन हमने इसको 4-5 घंटे के लिए फ्रिज में रख देना है। मसाला हमारा अच्छी तरह लग चुका है, सारे हमने चिकन को इस मसाले में डिप कर दिया है। तकरीबन 5 घंटे के लिए हम इसको फ्रिज में रखेंगे ताकि हमारी चिकन फ्राई जो है जूसी और ज़बरदस्त बने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने चिकन को मैरिनेट के लिए 5 घंटे के लिए रखा हुआ था, 5 घंटे हमारे हो चुके हैं। अब हमने चिकन को निकाल लिया है। सबसे पहले हमने एक बर्तन लिया है। अब हम 2 कप मैदा लेंगे और मैदे को हमने अच्छी तरह छान लेना है। मैदे को हमने छान लिया है। अब हम अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे 1 चम्मच, और 1 चम्मच हम नमक भी डालेंगे और कूटी हुई लाल मिर्च 2 चम्मच। अब हम इनको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। ये अब रेडी हो चुका है। सबसे पहले हमने ये चिकन लेना है, एक जो मैदा, इसमें मैदे में अच्छी तरह हमने इसको मिक्स करना है, अच्छी तरह मैदा लगाना है। इस तरह दबा, हाथों से दबा दबा के इस तरह। ये देखें अच्छी तरह मैदा लग चुका है। अब हमने एक बाउल लिया, इसमें डाला है पानी, पानी में हम डिप करेंगे, फिर हम मैदा लगाएंगे इस तरह। इस तरह हमने चिकन को अच्छी तरह लगा लेना है। ये देखें अच्छी तरह हमने मैदा इस तरह लगाना है, हाथों से दबा दबा कर अच्छी तरह। जब मैदा हमारा लग जाए तो फिर हमने इसको उठा के पानी में डिप करना है। ये पानी हमारा ठंडा है, इस तरह डिप करके फिर हमने मैदा लगाना है।
इस तरह उठा कर हाथों से अच्छी तरह दबाना है ताकि मैदा अच्छी तरह लग जाए। ये देखें इस तरह हाथों से दबा दबा कर मैं लगा रही हूँ। ये देखें रेडी हो चुका है। आपने मैदे की कंजूसी नहीं करनी है, तो जितना भी मैदा लगेगा अच्छी तरह उसी तरह हमारा चिकन क्रिस्पी बनेगा। चिकन के सारे पीसीस को हमने मैदा लगा लिया है, ये अब बिल्कुल रेडी हैं। अब हम इनको फ्राई करेंगे। साथ ही हमने कढ़ाई रखी है और कुकिंग ऑयल डाला है, और जब कुकिंग ऑयल हमारा अच्छी तरह गर्म हो जाएगा तो हम फिर चिकन फ्राई करेंगे। ऑयल हमारा अच्छी तरह गर्म हो चुका है, अब हम इस चिकन को फ्राई करेंगे। अब हमने आग को दरमियाना कर देना है, बहुत हल्की आंच पर भी नहीं पकाने, तो दरमियानी आग पर हमने इनको फ्राई करना है ताकि अंदर तक अच्छी तरह गल जाए और जूसी बने। अब हमने चिकन को दूसरी साइड चेंज कर लेनी है ताकि दूसरी साइड पर भी अच्छी तरह गोल्डन हो जाए। एक एक करके इस तरह हमने उसको उल्टा लेना है। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। माशाल्लाह हमारा चिकन लाइट ब्राउन हो गया है, बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है हमारे किचन में। हमारे बच्चे और बड़े सभी बहुत पसंद करते हैं। इंशाल्लाह बहुत ही आप भी ट्राई करें, इंशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त बनते हैं। अभी हमने और थोड़ा सा इसको गोल्डन करना है। हमारा क्रिस्पी चिकन फ्राई हो चुका है, अब हम निकालने लगे हैं। इसी तरह सारा चिकन जो है हमने फ्राई कर देना है। माशाल्लाह ये देखें क्रिस्पी चिकन हमारा फ्राई हो चुका है, बहुत ही ज़बरदस्त बना है। इसी तरह बाकी जो चिकन रहता है हम उसको फ्राई करेंगे। माशाल्लाह हमारा क्रिस्पी फ्राई चिकन रेडी हो चुका है, वो भी KFC स्टाइल में, बहुत ही ज़बरदस्त बना है। मैं आपको तोड़ कर दिखाती हूँ। ये देखें माशाल्लाह बहुत ही अंदर से जूसी और बाहर से क्रिस्पी बना है। आप भी ज़रूर घर में ट्राई कीजिएगा, घर वालों को खिलाएँ, मेहमानों को खिलाएँ, और आपने कमेंट में हमें ज़रूर बताना है कि आपको ये हमारा फ्राई चिकन आपको कैसा लगा। ये आपकी प्यार और मोहब्बत होती है जो आप हमें कमेंट करते हैं और लाइक करते हैं। हमारी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर आपने बताना है। और मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।